भेड़िए का आतंक है तो वहीं पर सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी गिद्धड़ों ने कोहराम मचा रखा है। जिले में गिद्धड़ों ने 5 दिनों के अंदर अब तक कई लोगों को घायल कर दिया। खासकर मुसहरी प्रखंड के बंगरा गांव में गिद्धड़ों का दहशत देखा जा रहा है। यहां पर आधी रात में युवाओं की टोली कैंप कर रही है, हाथ में लाठी डंडा लेकर कहीं बाइक से तो कहीं पर पैदल गश्त की जा रही है। माइक के जरिए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। बच्चों को घर में रखने, घर के दरवाजे बंद रखने के लिए भी कहा जा रहा है। वन विभाग की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जिस तरह से यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, उसी तरह हम बिहार के मुजफ्फरपुर के शेख हसन बंगरा गांव में मौजूद है और यहां जो है लगातार 4 तारीख से बात अगर करें तो गिद्धों का आतंक है। लगभग 2 दर्जन से ऊपर लोगों को वो जख्मी कर चुका है और इतना आतंक फैला हुआ है कि लोग दहशत में है। लोग तो दिन की बात तो छोड़ दे, अब रात को भी लोग निगरानी कर रहे हैं। हाथ में डंडे लाठी देख सकते तस्वीरों में कि किस तरीके से लाठी लेकर डंडा लेकर जो है गिद्धों की निगरानी कर रहे हैं। एवं की महिलाएं भी इस टोली में शामिल हो चुके हैं। गांव के हर टोले में युवाओं की टोली जो है 10 से 15 की टोली घूम रही है और जहां भी गिद्धों का प्रकोप है वहां पे वो निगरानी कर रहे हैं। यही की लाठी लिए हुए हैं गांव में। यहां पूरा गांव दहशत में है गिद्धों के कारण। कितना आदमी को डैमेज कर दिया है और घर से खींच खींच कर काट लेता है, तो पूरा जनता एकदम दहशत में है। और विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई वो लोग आते हैं करते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। 4 तारीख के बाद इस गांव में लोग शांति से सो नहीं पा रहा, चैन से लोग रह नहीं पा रहा। 2-3 दिन के बाद जो है प्रशासन थोड़ी एक्टिव हुई थी, वन विभाग, लेकिन जो जिला प्रशासन है, जो प्रखंड प्रशासन है, आज भी एक्टिव नहीं हो पाया है। जो आके हाल चाल लोगों से ले, 2 दिन तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था किसी की तरफ से सहयोग, बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। अभी तक अंधेरे में रह रहे हैं। जहां तक हो रहा है जो लोग मोमबत्ती टॉर्च वगैरह जला के रह रहे हैं, आप उधर देख सकते हैं बच्चे लोगों को घर के अंदर रखा गया है। किसी को भी महिलाओं पे बच्चों पे मुख्य तौर पे वो अटैक कर रहा है। ये आंख नाक मुंह कान खोल लिया जाए, नहीं तो आज कितना 9 तारीख है ना, 10-11 तारीख को धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठने जा रहे हैं हजारों की संख्या में। हमारे 10 से 12 है और हर वार्ड में सबका 10 टीम 4 टीम 5 टीम करके एक टोली बना हुआ है और लगभग सभी जगह घूम घूम के वाच कर रहे हैं। जहां से जो खबर होके एक्टिव होके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और एक साथ होके एकजुट होके उसी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जी मीडिया की पड़ताल में लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं तो वन विभाग भी जो है पूरी तरह तत्पर दिख रही है क्योंकि वो अब एक पिंजरा लगा के अपनी कोरम को पूरा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि एक दिन बीच में ये जानकारी मिली कि रेड क्रॉस की ओर से कुछ इलाज किया गया था, लेकिन अब तक सरकारी स्तर पर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उस महकमे की कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह सरकारी व्यवस्था की लापरवाही दिख रही है और लोग दहशत में है। दिन तो दिन, रात को भी लोग जो है इतने दहशत में है कि घर से सड़कों पर घूम रहे। जी मीडिया मुजफ्फरपुर। गढ़वा जिले में जंगली हाथियों को कहर जारी है। अब जंगली हाथियों ने भंडरिया वन क्षेत्र में एक युवक को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि युवक